भारतीय रेल को राष्ट्र की जीवन रेखा माना जाता है। आपको देश के किसी कोने में जाना हो, बस ट्रेन का टिकट लीजिए और आराम से बैठकर या सोकर आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाइए। ट्रेन में तो आपने भी बहुत सफर किया होगा। आज के समय में बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अब तक ट्रेन से यात्रा नहीं किया होगा। हालांकि रेलवे के कई नियमों के बारे में शायद आपको भी मालूम नहीं होगा। ऐसे में जो खबर आपको हम बताने जा रहे हैं वो आपके लिए बेहद ही खास है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ट्रेन में सफर करते समय आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि क्या ट्रेन में मिलने वाली चादर, कंबल या तकिया को आप घर ले जा सकते हैं या नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार आप कैसे चादर, कंबल या तकिया को घर ले जा सकते हैं। मुफ्त में घूमना फिरना, चीजें खरीदना भला किसे पसंद नहीं है। अब आप ट्रेन को ही ले लीजिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिना टिकट के ही अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं और टीटी को खबर तक नहीं होती। खैर, इसमें कोई शान की बात नहीं है। एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान यही है कि आप टिकट लेकर ही ट्रेन की यात्रा करें, लेकिन कई यात्री इसमें बाज नहीं आते। यही नहीं, एसी कोच में सफर करने वाले लोगों को कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनमें चादर और तकिया की फैसिलिटीज भी शामिल है। अब सफर खत्म होने के बाद कुछ लोगों का यही सवाल होता है कि क्या इसे हम फ्री में ले जा सकते हैं या इसके पैसे देने पड़ते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इसे आप अपने घर ले जा सकते हैं। एसी ट्रेन में मिलने वाले चादर और तकिए को इस्तेमाल करने के बाद उसे घर ले जाने की सुविधा सभी रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध है। कोविड के दौरान रेलवे ने इन्फेक्शन फैलने के जोखिम से इसे रोक दिया था। यात्रियों को बिस्तर का सामान उपलब्ध कराना बंद कर दिया था। यात्रियों को रेल में सफर करने के दौरान घर से ही अपना बिस्तर लाने की सलाह दी गई थी। आपको बता दें कि महामारी से पहले राजधानी और हमसफर जैसे कई एक्सप्रेस ट्रेनों के इसी डिब्बे में यात्रियों को बिस्तर और तौलिये उपलब्ध कराए जाते थे, लेकिन कोविड में इस सुविधा को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके कारण यात्रियों को अपने घर से चादर और कंबल ले जाना पड़ा था। ऐसी स्थिति में यात्रियों को भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। कोविड महामारी से थोड़ी राहत मिलने के बाद दिल्ली रेलवे बोर्ड ने फिर से वही सुविधा शुरू कर दी है। ट्रेन में यात्रियों को अब चादर, कंबल और तकिए के साथ साथ कोविड से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। सुविधा को फिर से शुरू करने के लिए यात्रियों को ट्रेनों में फिर से बिस्तर उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा। जी हाँ, इस्तेमाल करने से पहले आपको 300 रुपए फीस देनी पड़ेगी, तब जाकर आपको एक कंबल और दो चादर दी जाएगी। आपको बता दें कि एक चादर की कीमत 40 रुपए, कंबल के लिए 180 रुपए और तकिए के लिए 70 रुपए कीमत है। यही नहीं, आप सफर के बाद आप इन्हें घर भी ले जा सकते हैं। यात्रियों को साथ में सैनिटाइजर, मास्क, फेस शील्ड, हेयर कैप, साबुन और छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।